हाँ तो गाइस वेलकम टू आवर चैनल शुभ की प्रीत। और आज हम आपको लेके आए हैं घुमाने के लिए सलर जेल, काला पानी की जेल। तो इसको काला पानी की जेल क्यों कहते हैं और सेलुलर जेल क्यों कहते हैं, दोनों चीज़ों को बताता हूँ मैं। सेलुलर जेल इसलिए कहते हैं कि इसमें छोटे छोटे मतलब सेल्स के टाइप ना, मतलब जेल जो कोठरी है वो बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं। और देखना आप, मतलब बंदा आराम से थोड़ा वॉकिंग भी नहीं कर सकते, इतने छोटे छोटे हैं, अभी दिखाएंगे हम चल के। और बहुत सारे हैं छोटे छोटे, इसलिए इसको सेलुलर जेल बोलते हैं, काला पानी की जेल इसलिए क्योंकि यहाँ चारों तरफ पानी पानी, यहाँ आने के बाद कुछ नहीं दिखता था, तो पानी भी मतलब किसी काम का नहीं ऐसा कुछ। तो चलिए हम पूरा सेलुलर जेल आपको विस्तार से दिखाते हैं, आओ। ये इसका क्या है कि ये 7 पिक स्टार की तरह था, उसमें से कुछ हिस्सा तोड़ दिया है, बाकी 3-4 स्टार अभी भी इसके बाकी हैं, 5। तो हम चलते हैं ऊपर से देखते हैं, बैरक्स में जाके देखते हैं, सब जगह जाके देखते हैं कि ये कैसा है। आओ चलते हैं, हमारी टीम थक के बैठ गई है, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। आओ यार आगे चलो, वो तो उधर दिखाएंगे, वो दूसरा रूम है, वो उसमें दिखा रखा है प्रसाद का वाला भी। ये तो जेल है, उसमें मतलब एलाबरेट किया थोड़ा कि कैसे कैसे होता था। आओ जेल देखते हैं। अब ये लोग चंडीगढ़ में रहते हैं जो जिंदा है। ये है कोठरी किसकी, तो सानिया कुछ करके लिखा हुआ है, ये उनकी कोठरी है। नाम लिखा क्या है, चप्पल पहन के चले गए तो चले गए, क्या हुआ। क्या हालत देखो, ये है ताकि बंदा अंदर से हाथ देखे ना खोल पाए, तो यहाँ है। अब यहाँ से इसको खोलो, टेक्निक देखो ताकि बंदा हाथ देके खोल ना पाए। बस एक विंडो है यहाँ पे थोड़ी सी, इसको रोशनदान बोलते हैं। यस वेंटिलेटर, और बिल्कुल देखो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर अस्पताल में होता है, वेंटिलाइजेशन वेंटिलेटर ही बोलते हैं इसको। आए बड़े ऐसे छोटे छोटे सेल्स, छोटे मोटे लगा के आराम से वाला आदमी तोड़ देंगे मजा। कोई मोटा सा आदमी तो फंसता भी नहीं होगा इसमें, नहीं ऐसे करके उठा देते ले फोन ही तो हमारे अंदर से कहां से ठीक तेरे भी काम दूर करेंगे बोले। ये अंदर से जेल का दरवाजा खोलते हुए तो घूम खुल ही जाओगे। आर्किटेक्चर देखो आप यहाँ का, चलो बड़े ये देखो कैसा। फांसी पूर्व अंतिम क्रिया स्थल, इधर क्या करते होंगे। वो लास्ट में हिलाते बहलाते हैं ना, जो कुछ करते हैं वो उसके लिए है लास्ट में। ये लटकाने की जगह है, और ये जो है अलग अलग है, जैसे इसको खींचेगा ये कैबिनेट खुल जाएगा नीचे का, इधर का इधर, उधर का उधर, बंदा लटक जाएगा, झूल जाएगा। अब टिल डेथ बोलते ना पहले, तो तू भी हैंग नहीं होता।
इसको ऊपर से देख के सामने आने, अंदर जाने की जरूरत। चले बाहर उधर चले, तो देखिए सर आप सामने खड़े हैं तो ये ऊपर का बीम आपको दिख रहा है, नीचे का प्लेटफॉर्म अब हम जा रहे हैं। टॉर्चर रूम, टॉर्चर। अब आप ठहरने वाले हैं। ऐसे सीसी की आवाज मत निकालना क्योंकि आप डरने वाले हैं। कैसे काम करवाते थे यार, निकालो। ये कोलू, ये कोलू, इसमें समझ गए ना, गोल 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 पीसने के लिए जितने मत वो होते थे ना कैदी जो भी पकड़ के लाते थे अंग्रेज गवर्नमेंट, वो यहाँ काम करते थे। ठीक है, आओ आगे। ये है नारियल के तेल बनाने के लिए, इसको पीटा, इसका वो निकाला, फिर आगे पीस के उसको तेल निकाला। अब आएगी खतरनाक चीजों की बारी। क्या कर रहे हो, खतरनाक चीजों की बारी आ गई। ये पड़ी मार, थोड़ा पीछे हटो, दोनों चीजें एक साथ दिखने दो। ऐसे बंदे को बांध के पीटा जाता था। हाँ सही कह रहा, दिहाड़ी कम है पर और खतरनाक चीज दिखाते हैं। आ जाओ, ये बोरी से बने कपड़े हैं, देखो ये हैं बोरी से बने कपड़े जो पनिशमेंट के टाइम पे बनाए जाते थे। इसका नाम ही पनिशमेंट ड्रेस रखा हुआ है, देखिए दिखा है पनिशमेंट ड्रेस। ये बनाते थे। ये है कैदियों की पोशाक, चेन फिटर, इस तरीके से इस तरीके से बांध के रखते थे उनको। ये चेन का तरीका है, ये एक बार फिटर, ये क्रॉस बार फिटर, मतलब इसमें हाथ और पैर, और पैर आपस में दोनों, इसमें हाथ आपस में, हाथ और पैर आपस में, और इसमें मेन मोस्टली पैर बांधने का तरीका था। ये देखो, ये भी चेक करने आया है कि सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। ये अगर आपकी तरफ को दौड़ पड़ा तो क्या करोगे आप, इतना बड़ा क्रिकेट देखा है, इससे भी बड़ा देखा है। चले आगे आओ। मैंने पाल रखा है एक, जिसको मैं रोज खिलाते पिलाते हूँ। ये जो चल रहा है ना आगे शख्स, ये है वो। ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಜೋ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಶೋ ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೇ ಲೋಕ ಬೈಠತೆ ಹೈ ಶಾಮ್ ಕೋ ಚಾರ್ ಸೆ ಛೇ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಹಮ್ ಆಪ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೈ ಯೇ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ವೋ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕರ್ನಾ ಪ್ರೋಹಿಬಿಟೆಡ್ ಹೈ ತೋ ಹಮ್ ಉಸ್ಕೋ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕರ್ಕೆ ನಹೀ ದಿಖಾ ಸಕ್ತೆ ಲೇಕಿನ್ ಬಸ್ ಇತ್ನಾ ಹೀ ದಿಖಾ ಸಕ್ತೆ ಕಿ ಯಹಾ ಬೈಠತೆ ಹೈ ಯಹಾ ಶೋ ಚಲ್ತಾ ಹೈ ಇದರ ಇದರ ಶೋ ಚಲ್ತಾ ಹೈ ವಹಾಂ ಬೀಚ್ ಮೇ ಏಕ್ ಚೇರ್ ರಖಿ ಹೋತಿ ಹೈ।
अब हम चलते हैं ऊपर और बेहतरीन से एक व्यू दिखाते हैं अंडमान का और समुंदर का जो कि ऊपर से दिखता है। वो कोई वैसे नहीं देख पाते थे लोग, क्योंकि वो तो जेल की कोठरी में होते थे, ऊंचा कुचक के अगर देख लिया थोड़ा बहुत रोशनदान से तो देख लिया, नहीं तो नहीं कुछ नहीं। तो चलिए बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज दिखाते हैं हम आपको। आर्किटेक्ट यहाँ का क्या बोल रहे हैं, आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्ट इसको कट करना है क्या, आर्किटेक्ट, हाँ आर्किटेक्चर देखिए आप यहाँ का, हाउ ब्यूटीफुल। गिरगिट आगे चल रहा है, कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्टर लगे हैं, कैमरामैन पीछे, कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्टर लगे हैं। वो है एक सेंटर में वॉच टावर, मतलब वहाँ खड़ा होकर बंदा इसके हर एक पार्ट पे नजर रख सकता था। वो एक ऐसी जगह है जहाँ खड़े होकर हम हर एक जगह से नजर रखते, कोई अगर एनीवन कुछ होता है, कोई बंदा निकल के भगता है या कुछ होता है तो वहाँ से वो बंदा उसको देख सकता था, अनिवन एक्टिविटी। तो इसलिए वो बना है वास्ट टावर, वो इन सब जगह को कनेक्ट करता है आपस में। अभी हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर से हम सब जगह को कनेक्ट कर सकते हैं। पर ये आदमी हर थोड़ी देर में खुद अनिवन एक्टिविटीज करता रहता है। ये जो बैक स्टेज में कमेंट्री हो रही है ना, कट कर देंगे। Please maintain silence as a mark of respect to freedom fighters. कैसे ये सारे के सारे पिन इस वॉच टावर से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, ये भी इससे कनेक्टेड, ये भी इससे कनेक्टेड था और ये भी इससे कनेक्टेड है। देखो आओ, सब में पहले घुसते ही सीढ़ियाँ हैं, इसमें भी, इसमें भी, उसमें भी, सब में सीढ़ी होगी घुसते ही। आओ, चलो एक दो लोगों को चलते हैं वॉच टावर में देखते हैं यार। जेल है, आओ ये मिल गया रास्ता। फ्रीडम फाइटर्स बॉम्बे पंजाब, बॉम्बे पंजाब, ये भी नंबर 2 18 टोटल हो गए 338 और उसमें उसके बाद असम के शुरू होते थे, इसके बाद कभी होगा कहीं ना कहीं। हाँ वो बात चलते हैं, उसके पीछे का जो एरिया है वो एरिया आता है किसमें, बम्बू फ्लैट वाला एरिया है, ऊपर जाके माउंट हैरियट है और वो नॉर्थ बे है, ये रॉस हो ही गया, ये शिप्स हो गए, इधर माउंट हैरियट है, उधर चाथम जेटी है, उससे रास्ता है बम्बू फ्लैट के लिए। आओ आगे बताता हूँ, ये अपना जीबी पंत हॉस्पिटल है। बंदा यहाँ खड़े होकर देखो, हम यहाँ से हर एक जगह की एक्टिविटी पे नज़र रख सकता है बंदा जो ऊपर खड़ा होगा यहाँ।
यहाँ पे। ये देखो इसके आर्म्स आपको दिख रहे होंगे, 1 2। दो ही बचे हैं क्या अभी? इधर भी कुछ घूमने का बनाया है। 1 2 3 फिर उसके, हाँ हाँ हाँ, ये देखो 1 2 3 उसके दिस साइड आ गया, एंड उससे आगे भी कनेक्टिविटी में नहीं होगा। अभी ये 3 है उधर के, तोड़ दिए जो पीछे को थे ऐसे, ऐसा हॉस्पिटल बन गया। एक इसका, एक उसका, एक उसका, साथ है वो तोड़ दिए, उसमें से हॉस्पिटल में ले दिया कुछ हिस्सा। आओ पीछे भी चलेंगे घूमने, इसमें दिखा दो, एक्सरे करा दो, अभी तो एक्सरे से यही हो रहा है पीछे, अभी तुम देख लो करवाया था वो नहीं मुझे करवाया टॉप फ्लोर। भाई डॉक्यूमेंट मिले बाद छत पे टांग कर रखना, कैसे ऊपर नहीं एकदम मिलता हट ही ना। आ जा साइड में आ जा, ठाकुर साहब अनइवन एक्टिविटी देख ली चौकीदार ने, चलो चलते हैं वापस।